नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कोस्टिक फोरम बाय लक्ष्मी नारायण पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक्सरसाइज नंबर 12.3, जिसका नाम है कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। हम लोग किसी भी एक वेक्टर के कंपोनेंट्स निकालेंगे टू डायमेंशनल प्लेन में और थ्री डायमेंशनल प्लेन में। बिल्कुल सिंपल सा और बिल्कुल ईजी सा टॉपिक है। अगर आप इस बार का सैंपल पेपर उठा के देखेंगे सीबीएसई का 2019-20 का, तो आपको यहां से एक क्वेश्चन दो नंबर का या एक नंबर का पेपर में देखने को पक्का मिलेगा। उम्मीद भी यही की जाती है कि यहां से क्वेश्चन एक या दो नंबर का आता है, इसलिए आप इसको अच्छे से करना, ठीक है जी। तो हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हमारे टॉपिक का नाम है कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर इन द टू डायमेंशनल प्लेन। किसी भी टू डायमेंशनल प्लेन में हम लोग एक वेक्टर के कंपोनेंट्स किस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो समझने वाली बात है, सिंपल सी चीज है। आपसे कहता है हमारे पास कोई भी एक टू डायमेंशनल प्लेन है, ऐसे करके, ठीक है। ये टू डायमेंशनल प्लेन है, तो आपसे कहते हैं ये एक्स है, दिस इज एक्स डैश, ये वाई है, और ये हमारे पास क्या है, वाई डैश, और जो ओ हमारे पास है वो क्या है, ओरिजिन है, ठीक है। तो हमने इसके बीच में किसका बात किया, हम लोगों ने इसके बीच में लिखा इन एक्स ओ वाई प्लेन, ठीक है। तो जो एक्स ओ वाई प्लेन है उसके बीच में आपको दिख रहा है ओ जो हमारे पास है वो सबको मालूम है ओरिजिन होता है। उसके बाद हमने आपको सिखाया था कि जो एक्स एक्सिस है उसके डायरेक्शन को एक यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करता है जिसका नाम आई कैप है। सिमिलर तरीके से जो वाई एक्सिस है उसके डायरेक्शन को कौन रिप्रेजेंट करता है, जे कैप, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, आई कैप कोमा जे कैप आर यूनिट वेक्टर्स। जो आई कैप और जे कैप है वो यूनिट वेक्टर्स हैं अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस। जो आई कैप और जे कैप है वो यूनिट वेक्टर है अलोंग एक्स एक्सिस एंड y एक्सिस। कोई भी एक पॉइंट p इस प्लेन के बीच में है जिसके पोजीशन क्या है, x कोमा y है, ठीक है। तो आपसे कहते हैं लेट p ऑफ x कोमा y बी एनी पॉइंट इन द प्लेन, ठीक है। इस प्लेन के बीच में कोई भी एक पॉइंट है p x कोमा y। हम लोगों ने क्या किया, p से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया x एक्सिस के ऊपर, तो आप देखेंगे PM है। ऐसे ही P से y एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जिसका नाम है PN, ठीक है जी। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा ये वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा, y, और ये वाला जो डिस्टेंस हमारे पास है वो हमारे पास क्या है, x है, ठीक है। चलिए अगर ये y है तो 100% गारंटी है ये भी क्या होगा, y होगा, कोई दिक्कत नहीं है इसके बीच में। चलो जी, उसके बाद हमने क्या किया, O को P से ज्वाइन कर दिया। हमने क्या किया, O को P से ज्वाइन कर दिया। तो आप इसको लिखेंगे PM परपेंडिकुलर X एक्सिस एंड PN परपेंडिकुलर Y एक्सिस हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया। तो बाय डेफिनेशन आपको मैंने सिखाया था जब भी किसी वेक्टर को लिखा जाता है तो वेक्टर को लिखने का मतलब क्या है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड और साथ में उसकी डायरेक्शन, ठीक है। तो अगर मैं यहां से वेक्टर OM की बात करूंगा तो आप अच्छे से बोलोगे सर जो वेक्टर OM है वो हमें साफ दिख रहा है, उसका मैग्नीट्यूड x है, x एक्सिस के डायरेक्शन में है, उसके डायरेक्शन को कौन रिप्रेजेंट करता है, आई कैप। तो हम इसके बीच में देख सकते हैं जो OM हमारे पास है वो वेक्टर x इंटू आई कैप है, ठीक है जी। सिमिलर तरीके से जो हमारे पास ON है, ठीक है, इस ON को आप लिख सकते हो वाई, क्योंकि डायरेक्शन y एक्सिस में है तो y इंटू जे कैप होगा। फिर जो ये ON वेक्टर है वो किसके बराबर है, MP वेक्टर के, ठीक है। तो आप इसको लिख देना, जो वेक्टर ON है और जो MP वेक्टर है वो बिल्कुल सेम है, तो ये भी हमारे पास क्या होगा, y जे कैप। तो इस ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल ला लगाइए, तो आप इसको लिखोगे इन ट्रायंगल OMP बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। जो ट्रेंगल लो है वेक्टर एडिशन का वो क्या कहता है, आप उसको लिखोगे ओ एम प्लस में एम पी, दिस विल बी इक्वल टू वेक्टर ओ पी, ऐसे ही आएगा। चलिए, जो ओ एम था, ओ एम हमारे पास क्या है, एक्स आई कैप, और जो एम पी हमारे पास है वो वाई जे कैप, और जो ओ पी हमारे पास है वो वेक्टर आर है, ठीक है। या आप कह सकते हो पी का पोजिशन वेक्टर है। तो हम इसको लिख सकते हैं This vector r will be equal to x i cap plus का y j cap, और जो ये vector है ये op है, और op vector कौन सा है,
ई पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, ठीक है जी। तो इसके बीच में आपको दो कंपोनेंट दिख रहे हैं, एक कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस है और एक कंपोनेंट हमारे पास अलोंग वाई एक्सिस है, ठीक है जी। तो सिंपल सी चीज है। उसके बाद आपसे कहता है अगर एक्स कोमा वाई की बात करेगा तो आप इसको लिखोगे स्केलर कंपोनेंट्स, जो एक्स कोमा वाई है वो स्केलर कंपोनेंट्स है। सिमिलर तरीके से हमारे पास है एक्स आई कैप वाई जे कैप, दीज आर द वेक्टर कंपोनेंट्स, ठीक है। ये जो हमारे पास है ये हमारे पास क्या है वेक्टर कंपोनेंट्स है। अगर आपसे कहेगा स्केलर कंपोनेंट्स निकालिए तो इसका मतलब एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है, और अगर आपसे बोलेगा वेक्टर कंपोनेंट्स बताइए तो हम उसको बता सकते हैं एक्स आई कैप वाई जे कैप दीज आर द वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ द गिवन वेक्टर इन द टू डायमेंशनल प्लेन, ठीक है जी। आगे चलते हैं। अगर आपसे कहा जाए इसकी लेंथ बतानी है तो बहुत इजीली बता सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ओपी की अगर मैं लेंथ निकालना चाहता हूं तो ये क्या है 0.0, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए तो हमारे पास आएगा एक्स माइनस जीरो का होल स्केयर वाई माइनस जीरो का होल स्केयर, दिस विल बी इक्वल टू स्केयर रूट ऑफ एक्स स्केयर और प्लस का वाई स्केयर। दिस इज कॉल्ड द मैग्नीट्यूड ऑफ द गिवन वेक्टर। तो जो भी वेक्टर हम लोगों को दे रखा है अगर मुझे उसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो उसका मैग्नीट्यूड हमारे पास बराबर होगा स्केयर रूट ऑफ एक्स स्केयर प्लस का वाई स्केयर। तो बिल्कुल सिंपल सी चीज थी, हम लोगों ने एक्स वाई प्लेन लिया, ओ उसके बीच में ओरिजिन है, पी कोई भी एक पॉइंट है, एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर आई कैप है, जे एक्सिस वाई एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है वो जे कैप है। सो अगर मैं ओ एम की बात करूंगा दैट विल बी एक्स आई कैप, ओ एम की बात करूंगा वाई जे कैप, वेक्टर ओ एन दिस विल बी इक्वल टू वेक्टर एम पी, है ना, सेम है बिल्कुल। तो इसका मतलब जो ये हमारे पास है ये वाई जे कैप बनेगा। तो ट्रेंगल लगा है ओ एम प्लस का एम पी दिस विल बी ओपी, सो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप दिस विल बी इक्वल टू वेक्टर ओपी, और मैग्नीट्यूड निकालना है तो एक्स माइनस जीरो का होल स्केयर प्लस में वाई माइनस जीरो का होल स्केयर सारे का स्केयर रूट, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिक्वायर्ड वेक्टर, ठीक है जी। तो सिंपल था, उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए फिर आगे, चलिए जी नेक्स्ट लिखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। जो नेक्स्ट वाला टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर अलोंग द या कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग टू पॉइंट्स, जॉइनिंग टू पॉइंट्स, किसी भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने से जो वेक्टर बनता है उसके कंपोनेंट्स हम लोगों को निकालने हैं, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल सा और बिल्कुल आसान सा टॉपिक है ये। देखो आपसे क्या कहता है, हमारे पास कोई भी एक प्लेन है, जैसे हमने पिछले बार लिया था, आपसे बोलता है ये हमारे पास एक्स है, ये हमारे पास वाई है, ये ओरिजिन है, ये वाई डैश है और ये क्या है एक्स डैश है। हमारे पास कोई भी दो पॉइंट है, एक पॉइंट पी है और एक पॉइंट हमारे पास क्या है क्यू है, ठीक है। तो हमारे पास कोई भी दो पॉइंट है, एक पॉइंट पी है, एक पॉइंट क्यू है, जो पॉइंट पी है इसके जो पोजीशन है वो एक्स वन कोमा वाई वन है और जो क्यू है उसकी पोजीशन है एक्स टू कोमा वाई टू, ठीक है ना, एक्स वन कोमा वाई वन, एक्स टू कोमा वाई टू। अगर मैं आपसे बोलूं वेक्टर ओपी को लिख के दिखाओ तो फटाफट लिख सकते हो, अभी सिखाया था एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप, ऐसे इसको लिखो तो क्या लिखोगे एक्स टू आई कैप प्लस में वाई टू जे कैप। अब हम लोगों को क्या लिखना है, हम लोगों को वेक्टर पी क्यों लिखना है, वो मैंने आपको लिखना सिखाया था, इसका पोजीशन वेक्टर माइनस इसका पोजीशन वेक्टर, तो क्या बनेगा एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू आई कैप प्लस में वाई टू माइनस वाई वन इंटू जे कैप, ठीक है। तो वैसे भी लिख सकते हैं, ऐसे नहीं लिखना तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप क्या करोगे, यहां से इसके ऊपर एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो जो क्यू एम है, ऐसे हमने इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जिसका नाम पी एन है, और फिर हमने इससे इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इसका नाम जो हमारे पास है इसका नाम हमारे पास पी आर है, ठीक है जी। चलिए फिर आपको यह मालूम है एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है वो आई कैप है, वाई एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है वो हमारे पास क्या है जे कैप है, ठीक है जी। चलिए जी तो आपको दिख रहा होगा यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस हमारे पास है वो एक्स टू है और यहां तक का जो डिस्टेंस हमारे पास है वो क्या है एक्स वन है। तो अगर मैं आपसे ये बोलूं कि मुझे एनएम निकाल के दिखाओ तो निकाल सकते हैं, एक्स टू में से एक्स वन को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा
x2 में से x1 को हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब हम लोग nm वेक्टर को लिखना चाहते हैं, तो मैंने आपको सिखाया था किसी भी वेक्टर को लिखने का सीधा सा तरीका है उसका मैग्नीट्यूड और साथ में उसकी डायरेक्शन। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है, इसका मैग्नीट्यूड है x2 - x1, और nm का जो यूनिट वेक्टर है वो एक्स एक्सिस की अलोंग है, तो हम उसको लिख सकते हैं आई कैप। ठीक है जी, सिमिलर तरीके से अगर मैं इस वाले डिस्टेंस की बात करूंगा तो ये वाला सारा डिस्टेंस कितना होगा y2, और अगर मैं इस वाले डिस्टेंस की बात करूंगा तो ये वाला सारा डिस्टेंस कितना होगा y1। तो अगर आपसे ये बोला जाए QR निकाल के दिखाइए, तो आप QR निकाल सकते हो सबसे पहले, तो QR हमारे पास क्या आएगा y2 - y1। इसका डायरेक्शन जो है वो वाई एक्सिस के अलोंग है, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे QR वेक्टर निकाल के दिखाओ, तो QR वेक्टर होगा y2 - y1, और साथ में हमारे पास क्या आएगा जे कैप आ जाएगा। ठीक है जी, चलिए हमारा इंटरेस्ट किसमें है, वेक्टर पी के ऊपर कंपोनेंट्स निकालने में, तो हम इसको निकाल सकते हैं। तो आप इसको क्या लिखोगे, पी आर प्लस का आर क्यू, ऐसा ही है ना भाई, देखो पी आर और प्लस का क्या आएगा आर क्यू, यहाँ क्यू आर नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास आएगा आर क्यू, क्योंकि जो डायरेक्शन है वो वाई एक्सिस की तरफ जा रहा है। ठीक है जी, तो आप इसको लिखोगे इन ट्राइंगल क्यू आर पी, सो इन ट्राइंगल क्यू आर पी बाय ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जो ट्रेंगल लो है वेक्टर एडिशन का वो हमारे पास क्या है, आप उसको लिखो पी आर प्लस का आर क्यू, दिस इज इक्वल टू वेक्टर पी क्यू। तो जो पी आर हमारे पास है, जो पी आर है वो सेम टू सेम क्या है एनएम वेक्टर के, तो आप इसको लिख सकते हो दिस विल बी एनएम वेक्टर प्लस का आर क्यू वेक्टर, दिस विल बी इक्वल टू पी क्यू वेक्टर। तो जो nm वेक्टर है उसकी वैल्यू हमारे पास है x2 - x1 इनटू i कैप, और अगले वाले का वैल्यू है y2 - y1 इनटू में j कैप। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये जो है वो कंपोनेंट है अलोंग x एक्सिस, और ये जो है वो कंपोनेंट अलोंग y एक्सिस। तो सिंपल सी बात है, अगर हमें कोई भी दो पॉइंट देखे, एक p एक q, इस वाला पॉइंट है x1, y1, इस वाला है x2, y2, सिंपली आपको कंपोनेंट निकालना है, तो सिंपल आप लिखोगे x2 - x1 इंटू आई कैप, y2 - y1 इंटू जे कैप। ठीक है, ये वाला जो कंपोनेंट है वो अलोंग x एक्सिस है, और ये वाला जो कंपोनेंट है वो अलोंग y एक्सिस है। ठीक है, जो ये वाला कंपोनेंट है वो x एक्सिस के अलोंग आएगा, और जो ये वाला कंपोनेंट हमारे पास है वो y एक्सिस के अलोंग आएगा। ठीक है जी, तो सिंपल सी चीज थी, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आई होगी, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है जी, जैसे हम लोगों ने टू डायमेंशन में किया, सेम टू सेम कहानी हमारे पास थ्री डायमेंशन में भी जाएगी। ठीक है, तो आगे लिखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर इन थ्री डायमेंशन। अगर हमारे पास कोई भी थ्री डायमेंशन प्लेन है, तो थ्री डायमेंशन प्लेन में हम लोग उस वेक्टर के कंपोनेंट्स को लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लिख देंगे हम लोग, है ना। तो आपसे क्या बोलता है, सारा कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिंपल लिखेंगे इन 3D प्लेन। तो 3D प्लेन के अंदर आपसे कहता है P कोई भी एक पॉइंट है x, y, z, और अगर आपको पोजीशन वेक्टर लिखना है OP, तो आप बड़े मजे में लिख सकते हो x के साथ i कैप, y के साथ j कैप और z के साथ k कैप। ठीक है, उसके बाद अगर आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो 0, 0 से डिस्टेंस निकालना है। जब आप 0, 0 से डिस्टेंस निकालेंगे, तो लिखोगे x - 0 का होल स्क्वायर, y - 0 का होल स्क्वायर और z - 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं दिस वेक्टर OP विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस में y² प्लस में z². ठीक है जी, इसी प्रकार से अगर हमारे पास कोई भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करता है, जैसे ये बोलता है ये पी है ये क्यू है, ये हम आपको पहले समझा चुके हैं, इसका पोजीशन वेक्टर है x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप, और इसका पोजीशन वेक्टर है x2 i कैप, y2 j कैप, z2 k कैप। और अगर हम लोगों को PQ वेक्टर निकालना है, तो PQ वेक्टर हम बहुत सरलता से निकाल सकते हैं, किसके बराबर होगा हमारे पास x2 माइनस का x1 इनटू में i कैप प्लस में y2 माइनस का y1 इनटू में j कैप, इसको लिखूंगा तो z2 माइनस का z1 और इंटू में क्या आएगा k कैप। ठीक है, तो वेक्टर PQ हमारे पास बनेगा x2 - x1 इंटू i कैप
प्लस में वाई टू माइनस वाई वन इंटू जे कैप और प्लस में जेड टू माइनस जेड वन इंटू के कैप, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, अगर मुझे इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो बिल्कुल सिंपल सी चीज है, जो भी आई कैप के सामने लिखा है उसका स्केयर करो, जो भी जे कैप के सामने लिखा है उसका स्केयर करो, और जो भी के कैप के सामने लिखा है उसका स्केयर करो और सारे का स्केयर रूट कर दो, ठीक है। तो अगर मैं किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना चाहता हूं तो एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्केयर प्लस में वाई टू माइनस वाई वन का होल स्केयर और प्लस में जेड टू माइनस जेड वन का होल स्केयर और सारे का स्केयर रूट आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द गिवन वेक्टर इन द थ्री डायमेंशनल प्लेन। और अगर मैं किसी वेक्टर के कंपोनेंट्स लिखना चाहता हूं तो इस प्रकार से मैं उस वेक्टर के कंपोनेंट्स भी लिख सकता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है जी। चलिए आगे, चलिए जी क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं। एक टॉपिक और रह गया डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस का, वो आपको साथ की साथ कराएंगे जब हमारे पास एक्सरसाइज के बीच में सवाल आएगा, ठीक है। तो पहले कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस हैं, पेपर में एक एक दो दो नंबर के आ जाते हैं इसलिए आपको अच्छे से आने चाहिए, ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एक्सरसाइज नंबर हमारे पास है 12.3। तो 12.3 के अंदर पहला क्वेश्चन है बिल्कुल सेम, आपसे कहता है फाइंड ए वेक्टर पी क्यू, फाइंड ए वेक्टर पी क्यू। सबसे पहले हम लोगों को पी क्यू वेक्टर बताने क्या होगा, उसके बाद आपसे कहता है जो पी क्यू है आपको उसका मैग्नीट्यूड भी बताने क्या होगा, और आपसे ऐसा दे रखा है कि P जो हमारे पास पॉइंट है दैट इज माइनस वन कोमा माइनस टू, और जो Q हमारे पास है वो है माइनस फाइव कोमा माइनस सिक्स, ठीक है। P और Q के कोऑर्डिनेट्स हम लोगों को दे रखे हैं, तो हम लोगों को सबसे पहले वेक्टर पी क्यू निकालना है, और वेक्टर पी क्यू निकालने के बाद हम लोगों को उसका मैग्नीट्यूड बताना है, उसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा। तो सिंपल चले चलते हैं, देखो तो सबसे पहले आप इसमें क्या लिखोगे, सबसे पहले आप लिखोगे पोजिशन वेक्टर ऑफ पी। तो P का जो पोजीशन वेक्टर है वो है माइनस का वन इंटू आई कैप माइनस का टू इंटू जे कैप, ठीक है। उसके बाद आप इसको लिखोगे पोजीशन वेक्टर ऑफ Q, दिस विल बी हमारे पास आएगा माइनस का फाइव आई कैप और माइनस का सिक्स जे कैप। तो सबसे पहले हम लोगों ने वेक्टर पी क्यू निकाला, तो वेक्टर पी क्यू हमारे पास होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस का पोजीशन वेक्टर ऑफ P। तो जब Q में से P को घटाएंगे तो माइनस फाइव में से एक आई जाएगा तो माइनस का फोर आई, माइनस सिक्स में प्लस का टू जाएगा तो माइनस का फोर जे। सो दिस इज द रिक्वायर्ड वेक्टर पी क्यू। उसके बाद हमें मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड बड़ा ही सरल है, हमने आपको सिखाया जो भी आई कैप के सामने लिखा है उसका स्केयर, जो भी जे कैप के सामने लिखा है उसका स्केयर और सारे का स्केयर रूट। तो आप इसको लिख सकते हैं, ये हमारे पास क्या बनेगा 16 और ये बनेगा 16, तो 16 प्लस का 16 करेंगे तो 32, 32 को लिख सकते हैं 2 इंटू 16, जो 16 का स्क्वायर रूट है वो 4 होगा, तो हमारे पास आंसर में आएगा 4 रूट 2 यूनिट्स, ठीक है। जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमारे पास 4 रूट 2 यूनिट्स आएगा, ठीक है जी। तो सिंपल था, एक क्वेश्चन देते हैं आपको, आप करके दिखाइए। हमारे पास पी लिखा है 2, 3 और -1, फिर हमारे पास Q लिखा है, उस Q के बीच में है 1, 2 और -1, ठीक है। फटाफट से वेक्टर P क्यों निकालो और उसके बाद उस वेक्टर P क्यों का आपको मैग्नीट्यूड बताना है, उस वेक्टर P क्यों का मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या आएगा, जल्दी जल्दी बताओ क्या आएगा। जो P हमारे पास है उसका पोजीशन वेक्टर है 2, 3, -1 और जो Q पॉइंट हमारे पास है उसका पोजीशन वेक्टर हमें देखा है 1, 2, -1। तो सबसे पहले वेक्टर P क्यों निकालना है, उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है। तो निकालिए फटाफट से, सबसे पहले आप क्या लिखोगे पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, दिस विल बी इक्वल टू 2i कैप प्लस का 3j कैप और माइनस का k कैप। फिर आप इसी को लिखेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू, तो हमारे पास क्या बनेगा 1i कैप प्लस का 2j कैप और माइनस का k कैप, ठीक है। तो उसके बाद आप इसको लिखोगे क्या बनेगा वेक्टर पी क्यू, निकाल सकते हैं क्या लिखोगे पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस का पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, ठीक है। तो घटाएंगे 1 में से 2 जाएगा तो माइनस का आई कैप, 2 में से 3 जाएगा तो माइनस का जे कैप, और माइनस के में से माइनस के जाएगा तो प्लस का 0 इंटू के कैप। फिर हमें क्या निकालना है वेक्टर पी क्यू का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो इसका मैग्नीट्यूड बराबर होगा आई कैप के सामने लिखा है -1, जे कैप के सामने लिखा है -1 और इसके सामने लिखा है 0,
तो आप इसको लिख सकते हो माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन, ये भी वन और ये जीरो, तो हमारे पास जो आंसर आएगा रूट टू यूनिट्स के बराबर आएगा। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सा और बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, एक एक नंबर में कई बार आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करके दिखाना है, लिखिए फटाफट। हमारे पास दो वेक्टर दे रखे हैं, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, और आपसे क्या कहते हैं ए माइनस टू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल के दिखाइए क्या आएगा। वेक्टर क्वेश्चन नंबर टू है, क्वेश्चन नंबर टू में आपसे कहता है वेक्टर ए दिस इज इक्वल टू थ्री आई कैप माइनस का टू जे कैप, और फिर हमारे पास लिखा है प्लस का के कैप। ऐसे हमारे पास नेक्स्ट वेक्टर है वेक्टर बी दिस इज इक्वल टू टू आई कैप माइनस का फोर जे कैप और प्लस का के कैप। तो पहला क्वेश्चन जो आपको करके दिखाना है, नंबर वन इज वेक्टर ए माइनस वेक्टर टू बी का मैग्नीट्यूड, उसका तीसरा क्वेश्चन है हमारी बुक में आप करके दिखाएंगे वेक्टर ए दिस इज इक्वल टू आई कैप माइनस का टू जे कैप और प्लस का फोर के कैप। ऐसे ही वेक्टर बी हमारे पास है, वो लिखा है माइनस का टू आई कैप प्लस का फोर जे कैप और प्लस का फाइव के कैप। ऐसे हमारे पास लिखा है वेक्टर सी दिस इज इक्वल टू आई कैप माइनस का सिक्स जे कैप और माइनस का सेवन के कैप। तो हम लोगों को इन तीनों वेक्टर्स का सम निकालना है। ठीक है, तो बड़े सिंपल सिंपल से सवाल मैंने आपको दिए हैं, ये वाला तो करने की जरूरत ही नहीं, वैसे ही हो जाएगा। ठीक है, आई कैप में आई कैप वाला ऐड करो, जे कैप में जे कैप वाला और के कैप में के कैप वाला। चलिए देखो, ये वन और ये वन, तो वन और वन टू, ये माइनस का टू, तो भाई सीधी सी बात है जीरो आई कैप। उसके बाद माइनस का सिक्स और माइनस का टू, माइनस का एट और प्लस का फोर करेंगे तो माइनस का फोर जे कैप। ऐसे फोर और प्लस का फाइव नाइन, नाइन में से सेवन जाएगा तो प्लस का टू के कैप। तो पहला तो हो गया, इसमें तो कुछ था ही नहीं। आगे चलते हैं इसकी तरफ, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए सबसे पहले आपको वेक्टर पता होना चाहिए। तो वेक्टर निकालेंगे आप वेक्टर ए माइनस का टू टाइम्स वेक्टर बी, तो हमारे पास आएगा तीन आई कैप माइनस का दो जे कैप प्लस का के कैप। इसको लिखेंगे तो माइनस का टू आई कैप माइनस का फोर जे कैप प्लस का के कैप। तो इसको लिख देंगे तीन आई कैप माइनस का दो जे कैप प्लस का के कैप, ये बनेगा माइनस का चार आई प्लस का आठ जे और माइनस का दो के। ठीक है, तीन आई में से चार आई जाएगा तो माइनस का आई कैप, माइनस टू जे में आठ जे को ऐड करेंगे तो सिक्स जे कैप, और माइनस टू के कैप में वन को ऐड करेंगे तो माइनस का वन के कैप, ऐसा बन जाएगा। फिर हम लोगों को इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, बिल्कुल सरलता से निकाल सकते हैं। आई कैप के सामने लिखा है माइनस वन, सो माइनस वन का होल स्क्वायर, जे के सामने लिखा है सिक्स का होल स्क्वायर और माइनस सामने से लिखा है तो माइनस वन का होल स्क्वायर। सो दिस विल बी इक्वल टू वन प्लस का थर्टी सिक्स प्लस का वन विच विल बी इक्वल टू रूट थर्टी एट यूनिट्स। तो रूट थर्टी एट यूनिट्स जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सी चीज है, अगर मुझे किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो सीधी सी बात है आप उस वेक्टर को निकाल लीजिए, जो आई कैप के सामने है उसका स्केयर कीजिए, जो जे कैप के सामने है उसका स्केयर करो और जो के कैप के सामने है उसका स्केयर करो, तीनों को ऐड करके स्केयर रूट कर दो, दैट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द गिवन वेक्टर। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ। क्वेश्चन नंबर फोर में आपसे कहता है हमारे पास एक वेक्टर दे रखा है और आपसे कहता है फाइंड ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द गिवन वेक्टर। हम लोगों को यूनिट वेक्टर निकालना है उस वेक्टर की डायरेक्शन में जो वेक्टर हम लोगों को दे रखा है। ठीक है जी, तो देखते हैं क्वेश्चन में आपसे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर फोर है, क्वेश्चन नंबर फोर का फर्स्ट पार्ट आपसे कहता है फाइंड ए यूनिट वेक्टर, फाइंड ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ रूट थ्री आई कैप और प्लस का जे कैप। हमारे पास एक वेक्टर है उसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है। ठीक है जी, तो कहने का मतलब क्या है, हम लोगों को एक वेक्टर दे रखा है ए रूट थ्री आई कैप और प्लस में जे कैप। मेरे को एक ऐसा वेक्टर एक्स निकालना है, सबसे पहली चीज है यूनिट वेक्टर है और वो किसके डायरेक्शन में है, इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। तो कहने का मतलब वेक्टर एक्स और वेक्टर ए का डायरेक्शन बिल्कुल सेम है,
तो सीधी सी बात है वेक्टर एक्स जो है वो ए का यूनिट वेक्टर होगा, ठीक है। फिर आपने सीखा था किसी भी वेक्टर को लिख सकते हैं उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड और साथ में उसकी क्या आएगी डायरेक्शन। तो अगर मैं उसकी डायरेक्शन निकालना चाहता हूं, मतलब यूनिट वेक्टर निकालना चाहता हूं, तो वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो वेक्टर तो हमारे पास है ही है। अगर मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है तो सरल है, क्या करोगे, आई कैप के सामने रूट थ्री लिखा है, सो दिस विल बी रूट थ्री का होल स्क्वायर और प्लस में वन का होल स्क्वायर। तो रूट थ्री का स्क्वायर करेंगे तो थ्री प्लस का वन, ये हमारे पास फोर आएगा और फोर का स्क्वायर रूट टू हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको लिख दो, क्या बन जाएगा, रूट थ्री आई कैप प्लस का जे कैप और डिवाइड बाई टू। तो हम इसको लिख सकते हैं रूट थ्री बाई टू आई कैप प्लस में वन बाई टू जे कैप, तो ऐसा हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। हम लोगों को एक ऐसा यूनिट वेक्टर निकालना था जो ए की डायरेक्शन में हो, और ए की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कौन होता है, ए कैप। इसका जो एक्स कैप है वो किसके इक्वल है, ए कैप के, है ना। तो इसका जो एक्स कैप आएगा वो हमारे पास बराबर आएगा रूट थ्री बाई टू आई कैप और प्लस में वन बाई टू टाइम्स जे कैप, ठीक है। तो सिंपल सा और बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर पांच। क्वेश्चन नंबर पांच में हम लोगों से क्या कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर पांच में हम लोगों से कहता है फाइंड ए यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द सम ऑफ द टू वेक्टर्स। हम लोगों को दो वेक्टर दिए हैं, उन लोगों के सम के पैरेलल में हम लोगों को यूनिट वेक्टर निकालना है, ठीक है जी। तो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फाइव। तो क्वेश्चन नंबर फाइव में आपसे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर फाइव में आपसे कहता है फाइंड ए यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द सम ऑफ पैरेलल टू द सम ऑफ द वेक्टर्स थ्री आई कैप माइनस का टू जे कैप और प्लस का के कैप एंड माइनस का टू आई कैप प्लस का जे कैप और माइनस का थ्री के कैप, ठीक है जी। तो ये हम लोगों को दिया है, आपसे कहते हैं यूनिट वेक्टर निकालना है इन दोनों वेक्टर के सम के फॉर्म में, ठीक है। आसान है, कर सकते हैं इसको। सबसे पहले हम लिखेंगे वेक्टर ए, वो क्या बनेगा, थ्री आई कैप माइनस का टू जे कैप प्लस का के कैप। फिर हम लोगों ने वेक्टर बी लिखा, वेक्टर बी दिस विल बी इक्वल टू माइनस का टू आई कैप प्लस का जे कैप और माइनस का थ्री के कैप। हम लोगों ने क्या किया, वेक्टर ए में वेक्टर बी को ऐड कर दिया, ठीक है। तो थ्री आई कैप में से टू आई कैप को ऐड करेंगे तो आई कैप, माइनस टू जे में वन जे को ऐड करेंगे तो माइनस का जे कैप, और के में थ्री के को ऐड करेंगे तो माइनस का टू के कैप, ठीक है। हम लोगों को क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर पैरेलल टू सम ऑफ दीज टू वेक्टर्स। ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी दो वेक्टर की डायरेक्शन सेम है तो उनका यूनिट वेक्टर भी क्या होगा, सेम होगा। तो इसका मतलब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर ए प्लस का वेक्टर बी दिस विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस का बी और वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी की डायरेक्शन, इसका यूनिट वेक्टर। तो इसको निकाल लो, क्या बनेगा, वेक्टर ए प्लस का वेक्टर बी डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस का वेक्टर बी विच इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस का वेक्टर बी और उसकी डायरेक्शन, ठीक है जी। तो इसका मतलब है अगर मैं इसके डायरेक्शन निकालना चाहता हूं तो मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो, बिल्कुल सिंपल है। तो सबसे पहले हमने वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकाला, इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, आई कैप के सामने क्या लिखा है, वन, सो दिस विल बी वन का होल स्क्वायर, जे के सामने लिखा है माइनस वन का होल स्क्वायर और के सामने लिखा है माइनस टू का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग इसको लिख पाएंगे, क्या आएगा, वन प्लस का फोर विच इज इक्वल टू रूट सिक्स, ठीक है। तो हम यहां से लिख सकते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का यूनिट वेक्टर किसके बराबर आएगा, ए प्लस बी क्या है, आई कैप माइनस का जे कैप माइनस का टू के कैप डिवाइड बाय रूट सिक्स। तो ऐसा हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छे से देख लो, सिंपल सा क्वेश्चन है और कई बार हमारे पेपर में आता है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द सम ऑफ दीज टू वेक्टर्स थ्री आई कैप माइनस का टू जे कैप और प्लस का के कैप। उसके बाद हमारे पास है माइनस का टू जे कैप और माइनस का टू आई कैप प्लस का जे कैप और माइनस का थ्री के कैप।
सबसे पहले हम लोगों ने वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी निकाला, तो आई माइनस का जे माइनस का टू के आ गया, सम निकाला, यूनिट वेक्टर निकालना था तो वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया। ठीक है जी,